नमस्कार दोस्तों, क्लास 7th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 3 तक सभी बेसिक पॉइंट्स और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए हैं, तो अभी चैप्टर नंबर 4 हमें आज शुरू करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इनको, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी अगला वीडियो मैं अपलोड करूं तब आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। तो बहुत सारे कमेंट्स में सिलेबस कंप्लीट करिए ऐसी एक रिक्वेस्ट आई थी, तो सिलेबस तो मुझे कंप्लीट करना है ही, मैं पूरा सिलेबस जो है वो एक एक करके एक एक वीडियो करके मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वेट करिए, मुझे थोड़ा दिन में समय कम मिल पाता है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो जैसे भी हो समय मिलता जाएगा तो वैसे वैसे मैं पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दूँगा। अभी नेक्स्ट चलिए अब शुरू करते हैं। एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स ये चैप्टर का नेम है। तो एंगल क्या होता है पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम पेयर्स ऑफ एंगल्स ले लेंगे। अभी जो है एंगल्स के पहले हमें समझना होगा रे क्या होता है, कि एक समझो एक लाइन का पार्ट है जिसे एक एंड पॉइंट रहेगा और दूसरी तरफ एंड पॉइंट नहीं रहेगा, इसे हम कहते हैं रे। अब रे का नाम लिखने का एक तरीका है कि ए रे जो है कहाँ से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ तो पहले ए पॉइंट लिखिए, कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है बी तक जा रहा है और बी से आगे भी चला जाएगा, तो ए से बी तक है या आगे है तो ए टू बी है ए बी रे। तो इसका नाम लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी रे, या तो ऐसे लिखिए या फिर उसे ऐसे लिखिए रे ए बी, आप ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, दोनों रे के लिए सेम है। अब इसके बाद आ जाएगा एंगल। अब एंगल कैसे बनेगा, एक रे हमने ले ली है यहाँ पे, ये जो ए पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट जहाँ से रे शुरू होगा इसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट या इनिशियल वर्टेक्स, इनिशियल पॉइंट। अब एक रे का हमने एक इनिशियल पॉइंट ले लिया और एक दूसरा रे है जिसका इनिशियल पॉइंट यही है सपोज, तो यहाँ पे ए पॉइंट है ए बी और ए सी, ये दो रे यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए या इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, तो दो रेज का इनिशियल पॉइंट सेम है तो यहाँ पे हमें एंगल मिल गया। तो ए सी रे ए बी रे और इनके बीच में जो पार्ट है वो सब एंगल में आ जाएगा, तो अब इसे हमें लिखना है तो एंगल सी ए बी हम ऐसे लिखेंगे या फिर और एंगल बी ए सी। अब देखिए ये जो मिडल पॉइंट होगा ए ए, ये इस पॉइंट पे एंगल होगा, यहाँ पे एंगल बी ए सी हमने लिखा है तो ए पॉइंट पे एंगल होगा बी ए सी, बी ए सी तो ऐसा एंगल यहाँ पे रहेगा, फिर या सी ए बी दोनों भी एक ही एंगल के नाम हैं, या फिर ए पॉइंट पे अगर कोई दूसरा एंगल नहीं है तो हम डायरेक्टली एंगल ए भी लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिखना है कब लिखना है कि सपोज यहाँ पे एक ए पॉइंट है यहाँ पे एक ही एंगल है तो एंगल ए लिखिए, अगर यहाँ पे अलग से बहुत सारे एंगल्स हैं तो हम सिर्फ एंगल ए लिखेंगे तो हम कौन सा एंगल लेंगे ए पॉइंट पे, तब हमें नहीं लिखना है। तो ये होगा एंगल का नेम। अब एंगल के कुछ पार्ट्स मतलब एंगल की वजह से क्या क्या यहाँ पे हुआ है, अब देखिए एंगल जो होगा ये रे होगा तो ये रे स्टॉप नहीं होगा आगे तक चला जाएगा, ये भी स्टॉप नहीं होगा आगे चला जाएगा, यहाँ पे स्टॉप है लेकिन इसके अंदर जो पार्ट होगा जहाँ तक भी इसे हम एक्सटेंड करेंगे अंदर तक जो भी पार्ट मिलेगा उसे हम करेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर पार्ट एंगल का इंटीरियर।
और इस एंगल के बाहर जो होगा वो होगा एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर पार्ट या एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। और हो सकता है इस लाइन के ऊपर हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, हो सकते हैं, तो इनके लिए हम कहेंगे ऑन द एंगल और ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो ये जो रे होता है उसे हम कहते हैं आर्म ऑफ एन एंगल, एंगल की आर्म, भुजाएं, एंगल की भुजा, तो ये होगी आर्म ऑफ द एंगल। तो एंगल का पूरा यहाँ पे विश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मतलब जो प्रैक्टिस सेट है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब प्रैक्टिस सेट में कुछ भी नहीं है, यही है इंटीरियर एक्सटीरियर, और एक पॉइंट है एडजेसेंट एंगल्स का, तो वो हम पहले लेंगे फिर प्रैक्टिस सेट लेंगे। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट का मतलब होता है कि पड़ोसी। अब हमारा जो सबसे नज़दीकी पड़ोसी होगा उसे हम एडजेसेंट कहेंगे। मतलब हमारा सपोज यहाँ पे घर है, तो हमारे एडजेसेंट घर वाले कौन से होंगे, एकदम जो नज़दीकी हैं और उनमें एक कॉमन बाउंड्री है, उन्हें हम कहेंगे हमारे एडजेसेंट शेजारी या फिर पड़ोसी, मराठी में कहा जाता है शेजारी। तो अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स, अब एंगल एडजेसेंट कैसे होंगे, अगर एक हमने एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है तो दूसरा और एक एंगल होगा जिसका इन दोनों में से एक आर्म कॉमन होगी इसके साथ। अब और इनिशियल पॉइंट जो होगा जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स, इनिशियल पॉइंट को वर्टेक्स भी कहा जाता है, जैसे मैंने इनिशियल पॉइंट पिछले मतलब यहाँ पिछले पॉइंट में लिया था वो वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कॉमन होता है और एक आर्म कॉमन होती है। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये एंगल यहाँ पे बन गया और एक यहाँ पे बन गया, तो इन दोनों में ये जो आर्म है वो कॉमन ही रहेगी, आर्म कॉमन रहेगी, वर्टेक्स कॉमन रहेगा, लेकिन इंटीरियर पार्ट जो है वो अलग अलग रहेगा, डिफरेंट इंटीरियर पार्ट्स। तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या क्या कॉमन रहेगा, एक रहेगा कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड डिफरेंट इंटीरियर्स, इंटीरियर पार्ट जो हैं वो दोनों के अलग अलग होंगे, उन्हें हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगर सपोज हमने एक एंगल ले लिया और यहाँ पे, तो इन दोनों में कॉमन आर्म नहीं है तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अब और एक एग्जांपल हम लेते हैं कि वर्टेक्स तो कॉमन है यहाँ पे, और सपोज और एक एंगल हमने ले लिया ऐसा, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा इनमें वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन आर्म जो है वो कॉमन नहीं है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। यहाँ पे एक एंगल ले लिया और एक एंगल ये एंगल, अब देखिए इस एंगल में ये आर्म और इस एंगल में ये आर्म, दोनों में आर्म कॉमन है लेकिन इंटीरियर पार्ट जो है वो डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो ये दो एंगल्स भी यहाँ का और यहाँ का एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स होंगे। प्रैक्टिस सेट 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। तो यहाँ पे एंगल ए डब्ल्यू बी दिया गया है, तो हमें यह फिगर देखकर टेबल कंप्लीट करना है। टेबल में देखिए इसके आगे एक कॉलम दिया गया है, पॉइंट्स इन द इंटीरियर, पॉइंट लिखने हैं इंटीरियर पार्ट में जो है, पॉइंट इन द एक्सटीरियर, पॉइंट ऑन द आर्म ऑफ द एंगल्स। तो इंटीरियर पार्ट में देखिए ये जो एंगल है उसके इंटीरियर पार्ट में जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें हमें लिखना है, आर सी एक्स और एन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट आर, पॉइंट एन, पॉइंट सी और पॉइंट सी एंड पॉइंट एक्स, 1 2 3 4, ये फोर पार्ट जो पॉइंट जो है वो इंटीरियर पार्ट में है। पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पार्ट, अब देखिए डायग्राम
में एंगल के बाहर जो भी पॉइंट्स हैं टी यू क्यू वी और वाई, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट टी, पॉइंट यू, पॉइंट क्यू, पॉइंट वी और पॉइंट वाई। पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, एंगल के आर्म्स के ऊपर, ए डब्ल्यू जी बी, तो ये जो पॉइंट्स हैं पॉइंट ए, पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट जी और पॉइंट बी। अब जो पॉइंट डब्ल्यू है वो दोनों आर्म के ऊपर है, फर्स्ट आर्म और ये सेकेंड आर्म। क्वेश्चन नंबर टू है, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर बिलो। अब इस डायग्राम में हमें एडजेसेंट एंगल्स की पेयर लिखनी है, तो एडजेसेंट एंगल आपको अभी जो डेफिनेशन बताई गई उसके हिसाब से जिन एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स कॉमन होगा, एक आर्म कॉमन होगी और इंटीरियर पार्ट अलग अलग होगा, उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे बी एन सी, बी एन सी को दो एंगल्स एडजेसेंट हैं, यहाँ का एक और यहाँ का एक, तो बी एन सी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी एन सी एंड एंगल बी एन सी के साथ बी एन ए, एक बार एक ही लिखना है, एक पेयर, तो एंगल बी एन ए और एंगल बी एन सी, बी एन ए, बी एन सी और बी एन ए, ये दो एंगल्स एडजेसेंट हो गए। अब इन दोनों एंगल्स में देखिए यहाँ का एक एंगल और यहाँ का एक एंगल, एक आर्म कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है और इंटीरियर पार्ट दोनों का भी अलग अलग है, तो ये इन दोनों की पेयर हो गई एक। अब इसके साथ इसकी पेयर करिए एंगल बी एन सी, एंगल बी एन सी एंड एंगल बी एन सी के साथ ए एन सी, यहाँ का यहाँ का, ए आर्म कॉमन हो गई, इंटीरियर पार्ट अलग अलग और वर्टेक्स कॉमन, तो एंगल बी एन सी एंड एंगल ए एन सी, यहाँ पे हमने लिखा एक मिनट, एंगल बी एन सी और एंगल ए एन सी और बी एन सी अब नहीं आएगा। अब इन दोनों एंगल्स में बी एन ए और या ए एन बी और ए एन सी, एंगल ए एन बी एंड एंगल ए एन सी, ए एन बी ए एन सी, ए एन आर्म कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन, इंटीरियर पार्ट दोनों का अलग अलग। अब सेकेंड डायग्राम है, यहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल्स के नाम लिखने हैं, तो देखिए इस एंगल को एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे एक आर्म है और यहाँ पे एक आर्म है, तो ये आर्म कॉमन इसके साथ है इस एंगल के, लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इस एंगल का वर्टेक्स और इस एंगल का वर्टेक्स अलग अलग है, तो ये दो एंगल्स एडजेसेंट नहीं होंगे, तो इस एंगल के साथ वर्टेक्स कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको हमें एडजेसेंट एंगल नहीं मिलेगा। अब यहाँ का वर्टेक्स लेते हैं, तो यहाँ पे एक एंगल और एक दूसरा एंगल है यहाँ पे, तो ये दो जो एंगल्स हैं इनमें वर्टेक्स कॉमन है, आर्म भी कॉमन है और इंटीरियर पार्ट भी अलग अलग हैं, तो ये दो एंगल्स हो गए एडजेसेंट एंगल्स, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, आर दी फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ पे डायग्राम दी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल्स दिए गए हैं, तो ये दो एंगल्स एडजेसेंट हैं या नहीं है, एंगल पी एम क्यू, एंगल पी एम क्यू कहाँ पे है, देखिए एंगल पी एम क्यू, पी एम क्यू यहाँ का एंगल एंड एंगल आर एम क्यू, एंगल आर एम क्यू, आर एम क्यू ये एंगल। अब देखिए हमें एडजेसेंट के लिए तीन चीज़ें देखनी है, एक वर्टेक्स कॉमन हो तो इन दोनों में वर्टेक्स कॉमन है, आर्म कॉमन हो, आर्म कॉमन है, दोनों एंगल की एक आर्म यहाँ पे कॉमन है और इंटीरियर पार्ट्स अलग अलग, यहाँ का इसका इंटीरियर पार्ट अलग, यहाँ का इंटीरियर पार्ट अलग, देखिए ये और ये दोनों अलग अलग पोर्शन में हैं, तो यस दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स,
या फिर ऐसे लिख से आर द फॉलोइंग पेयर एडजेसेंट, यस द पेयर ऑफ एंगल्स इज एडजेसेंट। अब सेकंड देखिए, एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर, एंगल आर एम क्यू और एंगल एस एम आर। आर एम क्यू देखिए कहाँ पे है, आर एम क्यू, आर एम क्यू, एस एम आर, एस एम आर, एस एम आर एंगल ये और आर एम क्यू ये हो गया। अब देखिए इनमें इस एंगल का और इस एंगल का पार्ट, ये दोनों कॉमन पार्ट आ गए, तो कॉमन पार्ट नहीं होने चाहिए, अलग अलग एंगल्स होने चाहिए, इंटीरियर पार्ट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे नो, बिकॉज इंटीरियर पार्ट्स आर नॉट डिफरेंट, सेपरेट इंटीरियर पार्ट्स नहीं हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स नहीं, हमें लिखना है इंटीरियर पार्ट्स। आंसर लिखना होगा नो सेपरेट इंटीरियर पार्ट्स, या यहाँ पे लिखना है नो डिफरेंट इंटीरियर पार्ट्स या पोर्शंस। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 पहले लेंगे। देखिए एंगल एस एम टी, एंगल एस एम टी, एंगल एस एम टी यहाँ पे है, एंगल एस एम टी, एस एम टी एंड एंगल आर एम एस, एंगल आर एम एस यहाँ का। अब देखिए ये पोर्शन और ये इंटीरियर पार्ट अलग है, एक आर्म दोनों एंगल में कॉमन है, वर्टेक्स भी कॉमन है, तो यस दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। अब एंगल आर एम एस और आर एम टी, देखिए आर एम एस, आर एम एस यहाँ का एंगल, आर एम टी, अब एक आर्म तो कॉमन है इन दोनों एंगल में, इस एंगल में और इस एंगल में आर एम टी में, लेकिन आर एम टी का जो पार्ट आता है इंटीरियर पार्ट आर एम टी, तो ये आएगा आर एम टी का इंटीरियर पार्ट। अब इसमें इंटीरियर पार्ट में आर एम टी में आर एम एस, आर एम एस इस एंगल का भी पार्ट आ रहा है, तो कॉमन इंटीरियर पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे नो, नो कॉमन इंटीरियर पार्ट, या फिर नो कॉमन इंटीरियर पार्ट हमें लिखना है नो डिफरेंट इंटीरियर पार्ट, नो डिफरेंट इंटीरियर पार्ट या पोर्शन, नो डिफरेंट इंटीरियर्स, इंटीरियर जो है वो डिफरेंट नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मतलब इसमें प्रैक्टिस सेट 15 जो है वो हो चुका है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 16 हम आगे आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।